नमस्कार दोस्तों, नाजिया सलीम गूगल डूडल। आज 23 अप्रैल को इराक और भारत समेत कई देशों में दिख रहा है। नाजिया सलीम एक इराकी कलाकार, प्रोफेसर और इराक के समकालीन कला परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक थी। उनका काम अक्सर बोल्ड ब्रश स्ट्रोक और ज्वलंत रंगों के माध्यम से ग्रामीण इराकी महिलाओं को और किसान जीवन को दर्शाता है। आज की डूडल कलाकृति सलीम की पेंटिंग शैली और कला की दुनिया में उनके लंबे समय से योगदान का उत्सव है। इस दृश्य को चित्रित करने के लिए सलीम का जन्म तुर्की में इराकी कलाकारों के परिवार में हुआ था। उनके पिता एक चित्रकार थे और उनकी माँ एक कुशल कढ़ाई कलाकार थी। सलीम ने बगदाद की कला संस्थान में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने पेंटिंग का अध्ययन किया और स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी कड़ी मेहनत और कला के प्रति जुनून के कारण वह उन पहली महिलाओं में से एक थी जिन्हें पेरिस में एकोल नेशनल सुप्रीम डैश ब्रिक्स आर्ट्स में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। पेरिस में रहते हुए सलीम ने फ्रेस्को और म्यूरल पेंटिंग में विशेषज्ञता हासिल की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने कला और संस्कृति में खुद को विसर्जित करते हुए कई और साल विदेश में बिताए। सलीम अंततः ललित कला संस्थान में काम करने के लिए बगदाद लौट आई, जहां वह सेवानिवृत्ति तक के पढ़ाई। वह इराक के कला समुदाय में सक्रिय थी और अल रुआत के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। बाद में अपने करियर में सलीम ने इराक समकालीन कला, इराक के आधुनिक कला आंदोलन के शुरुआती विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन लिखा। नाजिरा सलीम की कलाकृति शारजा कला संग्रहालय और आधुनिक कला इराकी संग्रह में लटकी हुई है। इस नाजिया सलीम गूगल वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।